बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनबॉक्सिंग वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज हम दोस्तों यहां पर अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाला X1। तो दोस्तों यहां पर बजट रेंज में है 350 रुपए, तो इसके लिए इसकी एक अनबॉक्सिंग बनती है क्योंकि बजट रेंज को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ते और आपके लिए मैं ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू लाता हूं। तो चलिए फिर पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके रिव्यू की, साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी देखेंगे सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर करते हैं इसको अनबॉक्स। तो बोल्ट ऑडियो X1 यहां पर दोस्तों ये देखने को मिलता है और तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप चाहते हैं इसको खरीदना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि ये ऑल ओवर कैसा रहने वाला है, आपको लेना भी चाहिए या फिर ऐसे ही बस सस्ता सा ईयरफोन है। खोल लेते हैं इसको और देखते हैं कि ऑल ओवर कैसा होने वाला है। कहना पड़ेगा सस्ते में भी बहुत अच्छी सी करी है और ये इनका ऐसा लग रहा है बिजनेस कार्ड दिया है मेरे को पर्सनली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑल ओवर स्टाइल इस तरीके से पैकेजिंग है, पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी। तो आपको एक्स्ट्रा हुक मिलते हैं, जो ये हुक है दोस्तों कानों के लिए, आप चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल रही हैं, तो चलिए इसको करते हैं साइड। तो ईयरफोन्स दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके के दिखते हैं जो कि मेटल के हैं और ये मैग्नेट नहीं मिलता है, मेटल है, पर अच्छी बात है मेटल है। पर आगे का जो डिज़ाइन है ये प्लास्टिक है, यहाँ पर मेटल आप इस तरीके से देख सकते हैं। ईयरफोन को देखें तो इस तरीके का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। वायर यहाँ पर रेड कलर में दी है जो कि ठीक लग रहा है और वायर क्वालिटी यार नॉर्मल है, पर यहाँ पर ये जो वायर है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और छोटी है काफ़ी, जो आपका जैक देखने को मिलता है। पर ये अच्छी बात है, यहाँ से इसमें जो साइड का खिंचाव आता है तो इससे भी आपका हेडफोन जैक जल्दी बाहर नहीं निकलेगा, गोल्ड प्लेटेड है। आए जो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों बोल्ट की ब्रांडिंग और ये लिखा हुआ बड़ा सा बोल्ट, और यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है कॉल आंसर पिक करने के लिए, साथ ही में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोफोन का भी एक होल मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ईयरफोन्स हैं आपने कंटेंट बॉक्स कंटेंट देख लिए हैं, अब चलिए ईयरफोन्स का दोस्तों यहां पर करते हैं रिव्यू। तो ऑल ओवर यार बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेटल के आपको मिल जाते हैं ईयरबड्स जो कि अच्छे खासे मजबूत हैं, और साउंड के मामले में भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे अच्छे लगे हैं। मतलब ऑल ओवर इनका जो 350 रुपये के हिसाब से साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि मतलब 350 रुपये के हिसाब से कि बजट रेंज है तो मतलब साउंड अच्छी नहीं थी, आपको इसमें थम्पीनेस प्लस क्रिस्प दोनों चीज़ें, मतलब मिड लोज और हाइस, आपको इसमें तीनों बेहतरीन तरीके से फीचर मिलता है जो कि आपको सुन के काफ़ी मज़ा आएगा, आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया और मैंने इस पर काफ़ी देर म्यूज़िक मतलब आए हुए कई दिन हो गए और अब मैं जाके इसको रिव्यू कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इसका मैंने आनंद लिया है, उसके बाद ही रिव्यू बना रहा हूँ। तो ऑल ओवर मुझे ठीक लगा, तो अगर आप सही में इसको ख़रीदना चाहते हैं, इस रेंज आपका बजट है 350 रुपये तक का ईयरफोन के लिए, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। और मैं कहूँगा अगर 500 रुपये तक का भी बजट है तो उस 150 रुपये वेस्ट मत कीजिए, इसको खरीद लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऑल ओवर अगर मैं इसका एक मार्कशीट आपको बना के दिखाऊं तो दोस्तों साउंड और बिल्ड क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा इस ईयरफोन को। तो आप बिल्कुल दोस्तों इसको चाहें तो खरीद सकते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा, आप किसी के साथ शेयर मत करना ये वीडियो दोस्तों, आप चाहें तो अच्छी लगने पे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं और नीचे एक लाल कलर का बटन होगा वो आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी के अभी, और बेल आइकन को भी दबा देना, और कोई इसके हिडन चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।